हर जलते दिए के नीचे अंधेरा होता है, हर जलते दिए के नीचे अंधेरा होता है, हर रात के बाद सवेरा होता है, हर रात के बाद सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं दोस्तों, लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, लेकिन हर मुश्किल के पीछे एक सवेरा होता है। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान फार्मासिस्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक प्रश्नमाला, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम नए एक जादुई ट्रिक के साथ लेकर आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नमाला। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, और पहला सवाल क्या कहता है, पर्यावरण राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। चार ऑप्शन है आपके सामने, पहला है 25 सेंटीमीटर की, दूसरा है 50 सेंटीमीटर की, तीसरा है 100 सेंटीमीटर की, और चौथा है 150 सेंटीमीटर की। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो देखिए क्या होगा, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली जो वर्षा रेखा है, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा है वो है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कितने सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कैसे बांटती है राजस्थान को दो भागों में? तो दोस्तों, सीधी सीधी बात है कि हमारा ये राजस्थान का नक्शा है इस तरह से बना हुआ, और आपको शायद पता होगा कि हमारे यहां पर एक अरावली पर्वतमाला निकलती है जो सिरोही से शुरू होकर कहां तक जा रही है, सीकर से होते हुए दिल्ली तक जा रही है। दोस्तों, जब मानसून आएगा और मानसून जब यहां से आएगा उस समय एक यहां पर बहुत बड़ी पर्वतमाला है जो बारिश को आगे जाने से रोकता है। इसका मतलब यह है कि अरावली के पूर्व में इन इस वाले भाग में जो बारिश होगी वो 50 सेंटीमीटर प्लस होगी, और यहां पर होगी वो 50 सेंटीमीटर से कम होगी, और यहां पर होगी वो 50 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली बारिश वर्षा रेखा है वो कौन सी है दोस्तों? वो है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं दूसरा सवाल, क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले किस संत ने दिया था? चार ऑप्शन है, पहला है पीपा जी, दूसरा है जांबो जी, तीसरा है लालदास जी, और चौथा है दादू दयाल जी। दोस्तों, सवाल पूछा है पर्यावरण चेतना जैसी शब्दावली का महत्व सबसे पहले किस संत ने दिया? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जांबो जी। क्या होगा? जांबो जी। देखो, इसके बारे में थोड़ा, जांबो जी है उनके बारे में सुन लीजिए। जांबो जी के बारे में, जांबो जी का जन्म कहां होता है? पिपासर नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, सवाल पूछा जाता है पिपासर नागौर, जन्म होता है पिपासर नागौर में, लेकिन इनकी जो कर्म भूमि जहां पर इन्होंने अपने प्रवचनों से और एक नए पंथ की स्थापना की थी विष्णोई पंथ की, तो ध्यान रखना इनकी जो कर्म भूमि है वो है, ध्यान रखना दोस्तों, समराथल बीकानेर। कहां पर है? समराथल बीकानेर। आगे बात करते हैं कि जांबो जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था, किस, तो ध्यान रखना इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की थी वो था विष्णोई। कई बार सवाल पूछा जाता है विष्णोई संप्रदाय को विष्णोई क्यों कहा जाता है, तो ध्यान रखना जांबो जी ने कुल 29 नियम बताए थे, और मारवाड़ी भाषा में जब हम 20 को 20 कहते हैं तो ये 20 को मारवाड़ी भाषा में कहते हैं 20, और जो 9 होते हैं उनको कहा जाता है 9, यानी वे लोग जो 20+9 जो धर्म है, 20+9 जो नियम है उनका पालन करते हैं वो विष्णुई कहलाते हैं, और विष्णुई जो संप्रदाय था इसके प्रवर्तक जांबो जी को माना जाता है। देखिए, जांबो जी का जन्म होता है पिपासर नागौर में, कब होता है? 1451 में होता है। और एक चीज और, इनका जन्म हुआ था जन्माष्टमी के दिन। किसके दिन हुआ था? जन्माष्टमी के दिन हुआ था। और इनके लिए एक पंक्ति है, विष्णु विष्णु तू बण रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू बण रे प्राणी। कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि यह उक्त पंक्ति किसके बारे में कही जाती है, तो जांबो जी के बारे में कही जाती है। जांबो जी को ध्यान रखना दोस्तों, कई बार कहा जाता है, सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, राजस्थान के एक ऐसे
लोक संत जिन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है, तो इनको पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, कई बार ऐसा कहा जाता है कि जांबोजी के दो मुस्लिम संप्रदाय के दो व्यक्ति थे जो इनके बहुत अच्छे भक्त थे, तो ध्यान रखना मुस्लिम संप्रदाय के दो इनके भक्त थे, उनका नाम था हासम और कासम। क्या नाम था? एक का नाम था हासम और एक था कासम। इनका जांबोजी के ऊपर बहुत, मतलब इन दोनों के ऊपर जांबोजी के प्रवचनों का बहुत बड़ा क्या पड़ा था, प्रभाव पड़ा था। दोस्तों इनकी माता का नाम कभी भी एग्जाम में पूछ ले और पिता का नाम एग्जाम में पूछ ले, तो माता का नाम था, पिताजी का नाम था लोहट जी, पिताजी इनके लोहट जी थे, और माता का नाम कभी भी एग्जाम में पूछ ले आपको तो याद रखना दोस्तों इनकी माता का नाम हंसा देवी था। क्या नाम था? हंसा देवी। ये थे आपके जांबोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब पढ़ते हैं प्रश्न अगला। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्या कहलाता है, क्या कहता है देखिए, किस लोक देवता की पूजा, किस लोक देवता की पूजा ऊंटों की रुग्णता दूर करने में की जाती है, यानी राजस्थान के कौन से देवता हैं जब ऊंट बीमार होता है तब इनकी पूजा की जाती है ऊंट की बीमारी दूर करने के लिए। चार ऑप्शन है, पहला है गोगा जी, दूसरा है तेजा जी, चौथा है पाबू जी और पांचवा चौथा है वो रामदेव जी। यानी पहला ऑप्शन है गोगा जी, फिर है तेजा जी, फिर पाबू जी और फिर रामदेव जी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पाबू जी। पाबू जी के बारे में ध्यान रखना, पाबू जी को कहा जाता है ऊंटों के लोक देवता, यानी ऊंटों के देवता। कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान में ऊंट बीमार होता है तब किसकी पूजा की जाती है, तब की जाती है पाबू जी की पूजा। और ऊंट पालक जाति है, ऊंट पालक जाति है एक जाति है जिसका नाम है रेबारी, और रेबारी के ये हैं आराध्य देव। रेबारी के क्या है? ये आराध्य देव है। ध्यान रखना, राजस्थान में अरब से ऊंटों को लाने का श्रेय किसी को दिया जाता है तो पाबू जी को दिया जाता है, क्योंकि ये ऊंट कहाँ से लाए थे? अरब से ऊंट लाए थे राजस्थान में, ऐसा कहा जाता है। कई बार सवाल पूछा जाता है पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था, तो ध्यान रखना दोस्तों उसका नाम था केसर कालमी। क्या नाम था? केसर कालमी। और अगर सवाल पूछ ले कि पाबू जी का मंदिर कहाँ पर आयोजित है, कहाँ पर स्थित है, तो इनका मंदिर है कोलुमंड गांव है, और कोलुमंड है फलोदी जोधपुर में, फलोदी जोधपुर में यहाँ पर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है, और यहीं पर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगर कभी भी सवाल ये पूछ ले कि पाबू जी का जो फल, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फल किसकी है, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फल है वो किसकी है, पाबू जी की है। ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी एग्जाम में ये पूछ ले कि राजस्थान में पाबू जी की फड़ वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो इनकी फड़ का वाचन करते समय ध्यान रखना दोस्तों जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उस वाद्य यंत्र का नाम है रावण हत्ता। इनके फावड़े गाए जाते हैं पाबू जी के, इनके फावड़े गाए जाते हैं, ध्यान रखना फावड़े हैं वो किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, तो माट वाद्य यंत्र है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि कई बार 100 बार ये सवाल पूछा गया है कंपटीशन के एग्जाम में कि जब पाबू जी की फड़ का आयोजन होता है उस समय फड़ को जो गायन कौन करता है, तो ध्यान रखना पाबू जी के भोपे होते हैं वो नायक जाति के होते हैं, नायक जाति के भोपे पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं। किसकी फड़ का वाचन करते हैं? पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं, और हाथ में क्या रखते हैं? रावण हत्ता जो तत्ववाद्य है, और क्या करते हैं? फड़ का वाचन करते हैं। एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है कि राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, तो किसकी है भाई? पाबू जी की है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है मदिल क्या है, मदिल क्या है? चार ऑप्शन है आपके सामने, देखिए मदिल पढ़ के बताइए मेरे को। पहला ऑप्शन क्या कहता है? संगीतिकीय यंत्र है। दूसरा कहता है आभूषण है। तीसरा कहता है पगड़ी है। और चौथा कहता है लोक संगीत है। दोस्तों बात करते हैं मदिल की, तो दोस्तों ध्यान रखना कई बार ये भी सवाल रिपीट हो चुका है। मदिल एक प्रकार की क्या है? मदिल एक प्रकार की पगड़ी है। क्या है? पगड़ी है, यानी ये क्या है? एक तरह का साफा है। और कई बार ये सवाल भी पूछा गया है कि जो मदिल पगड़ी है किस अवसर पर पहनी जाती है, तो हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर जब दशहरा होता है
और दशहरे के दिन कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? मदिल पगड़ी पहनी जाती है सिर पर। और एक बात और ध्यान रखना कि मदिल पगड़ी की विशेषता क्या है, तो ये फूल पत्ती वाली है दोस्तों। कैसी है? फूल पत्ती वाली है, क्योंकि इस पर बहुत सारे फूल और पत्तियों के क्या है, निशान है। फूल पत्तियों वाली पगड़ी कौन सी है? मदील है। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल दोस्तों। और अगला सवाल क्या है, बहुत ही बढ़िया सवाल है जो पहले बहुत बार पूछा गया है, और इसके आसपास कौन से सवाल बढ़ रहे हैं वो भी देखते हैं। क्या कहता है सवाल? उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया था? चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला है राणा कुंभा, दूसरा राणा सांगा, तीसरा राणा उदय सिंह और चौथा है बप्पा रावल। दोस्तों सवाल पूछा है एकलिंग जी के मंदिर का, तो ध्यान रखना दोस्तों, एकलिंग जी का जो मंदिर है इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण करवाया था दोस्तों बप्पा रावल ने। किसने करवाया? बप्पा रावल। अगर बप्पा रावल की जगह कभी भी एग्जाम में काल भोज भी लिखा हुआ हो तो भी सही होगा, क्योंकि बप्पा रावल का नाम ही काल भोज था। अब सवाल पूछते हैं कि मेवाड़ के जो शासक है अपने नाम के आगे राणा लगाते हैं, राजा क्यों नहीं लगाते हैं? तो दोस्तों मेवाड़ के शासकों का ऐसा मानना है कि हमारे जो मेवाड़ के राजा है वो कौन से हैं? एकलिंग जी, और ये क्या है, खुद दीवान है। यानी अपने आप को मेवाड़ के शासक कहते हैं कि हम शासक नहीं है, हम तो एकलिंग जी के दीवान हैं, और मेवाड़ के शासक वास्तविक शासक कौन है, वो एकलिंग जी हैं, ऐसा उनका मानना है। एकलिंग जी का मतलब ये है कि ये महादेव जी है। कौन से देवता है? महादेव जी है, ध्यान रखना। इसके अलावा जब कभी भी सवाल पूछे आपको कि बप्पा रावल ने मंदिर का निर्माण कब करवाया, 734 ईस्वी में करवाया था, और मेवाड़ के अंदर पहला प्रतापी शासक हुए थे वो भी बप्पा रावल थे, जो कौन से ऋषि की गायें चराते थे, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि ये हरित ऋषि की गायें। अगला सवाल देखिए, चित्तर पैलेस महल के नाम से प्रसिद्ध है, चार ऑप्शन है आपके पास में। चंद्रमहल पैलेस है, विजय मंदिर पैलेस है, सामोद भवन है और उम्मेद भवन पैलेस है। दोस्तों पूछता किसका है? चित्तर पैलेस का। पहली बात, चित्तर पैलेस को क्या कहा जाता है? उम्मेद भवन पैलेस कहा जाता है। अब सवाल पूछ ले कभी भी कि ये है कहां पर, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो पैलेस या महल है ये जोधपुर में है। कभी भी सवाल ये पूछ ले कि चित्तर पैलेस का निर्माण किसने करवाया, तो ध्यान रखना, इसका निर्माण करवाया था जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा उम्मेद सिंह ने, हमेशा ध्यान रखना। अगर सवाल पूछ ले कि इसका निर्माण किस कार्य के तहत करवाया गया, तो ध्यान रखना, अकाल राहत कार्य के तहत इसका निर्माण करवाया था। हुआ यह था कि मारवाड़ में लगातार अकाल पड़ा था 3 साल, तो मतलब यहाँ के लोगों के पास कुछ काम नहीं था, तो यहाँ के महाराजा उमेश सिंह जी ने अपने इन लोगों को काम दिया था, रोजगार दिया था, और बदले में ये काम करवाया था, महल बनाया था। अकाल राहत कार्य के तहत इसका निर्माण हुआ था। कभी भी एग्जाम में पूछ ले चित्तर पैलेस जो ये महल है, इस महल में एक संग्रहालय भी है, ध्यान रखना, घड़ियों का संग्रहालय। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान में घड़ियों का संग्रहालय, घड़ियों का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो ये जयपुर, सॉरी, ये जो चित्तर पैलेस है इसमें स्थापित है, संग्रहालय में स्थित है, घड़ियों का एक संग्रहालय है। अब सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि चित्तर नाम क्यों है इसका, तो जोधपुर में पत्थर कैसा है, चित्तर का पत्थर है, और इसमें प्रयुक्त किया हुआ है चित्तर का पत्थर, इसलिए इसे चित्तर पैलेस भी कहा जाता है, क्योंकि जोधपुर का प्रसिद्ध पत्थर है वो है चित्तर, जो चित्तर का पत्थर है वो। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है इसी से संबंधित कि इसका जो वास्तुकार कौन था। दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, वास्तुकार का कभी भी पूछ ले, यानी इंजीनियर कौन था इसको बनाने वाला, तो इसका एक जो इंजीनियर या जो आप कह सकते हो वास्तुकार था, उस वास्तुकार का नाम था हेनरी वॉन लोनेस्टर। हेनरी वॉन लोनेस्टर ये इसका वास्तुकार था, इसकी देखरेख में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये 1943 में बनाया गया था अकाल राहत कार्यों के तहत। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है कि बीकानेर के राठौड़ विख्यात के लेखक कौन थे। चार ऑप्शन है, पहला है दयालदास, दूसरा है श्यामलदास, तीसरा है सूर्यमल मिश्रण और चौथा है नैनसी। दोस्तों बीकानेर के राठौड़ विख्यात ये पुस्तक लिखी थी किसने लिखी थी? दयालदास ने। दयालदास ने लिखी थी बीकानेर के राठौड़ विख्यात। अब ध्यान रखना, इसी पुस्तक को एक और नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है वो भी कभी एग्जाम में पूछ ले,
तो ध्यान रखना, इसे दयाल दासरी ख्यात भी कहा जाता है। लेकिन एक बार एग्जाम में क्या पूछा था कि दयाल दासरी ख्यात में किसका इतिहास लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना ये जो पुस्तकें हैं इन तीनों पुस्तकों की में किसका इतिहास है, बीकानेर का इतिहास है दोस्तों, बीकानेर का इतिहास, हमेशा ध्यान रखना इस बात का, बीकानेर का इतिहास लिखा हुआ है। अब देखो अगली बात दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है, राज्य के पूर्वी एवं क्या लिखा हुआ है, राज्य के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के मध्य स्थानीय समय में कितना अंतर पाया जाता है, चार ऑप्शन है ध्यान रखना आपको। पहला ऑप्शन क्या कहता है, 28 मिनट और 7 सेकेंड, कितने मिनट, 28 मिनट 7 सेकेंड। और दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन कहता है 30 मिनट 9 सेकेंड, और चौथा ऑप्शन है 35 मिनट 8 सेकेंड, और लास्ट ऑप्शन है वो ये कहता है 23 मिनट 7 सेकेंड। सवाल किसका पूछा है, पश्चिमी पूर्वी और पश्चिमी छोर के मध्य, यानी याद रखना दोस्तों ये जो पूर्वी या पश्चिमी छोर है ये यहाँ का है, यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है धौलपुर, यानी राजस्थान के सबसे पूर्व में एक जिला है उसका नाम है धौलपुर, और पश्चिम में एक जिला है सबसे लास्ट उसका नाम है जैसलमेर। इन दोनों के मध्य का जो समय का अंतराल है दोस्तों वो कितना है, वो है 35 मिनट 8 सेकेंड, कितना है 35 मिनट और 8 सेकेंड। ये देखो इम्पोर्टेंट है, कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं, अपने दिमाग में रखना है कि धौलपुर से लेकर, अब सवाल ऐसा क्यों है, क्योंकि सबसे पहले धौलपुर में सूर्योदय होता है और सबसे अस्त भी पहले कहाँ होता है, धौलपुर में। अरे भाई सीधी बात है, जहाँ पर सबसे पहले उगेगा तो अस्त भी वहीं होगा ना, तो कंफ्यूजन वाली बात कहाँ होगी कि सर उदय भी वहाँ होता है अस्त भी वहाँ होता है कैसे, ये बात है। तो धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे बाद में सूर्योदय होता है वो जैसलमेर में होता है। सबसे पहले सूर्यास्त राजस्थान में सूर्यास्त होता है वो जैसे धौलपुर में, सबसे अंतिम होता है वो जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। चार ऑप्शन दिए हैं, एक संत के रूप में, एक ग्राम देवता के रूप में, एक ग्राम अधिकारी के रूप में, एक उपासक के रूप में। सवाल पूछा है क्षेत्रपाल का, और इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा मैं अभी आपको समझा देता हूँ। क्षेत्रपाल पूछा है, और इस क्षेत्रपाल को स्थानीय भाषाओं में ध्यान रखना खेतपाल भी कहा जाता है, और इन्हें क्या कहा जाता है, खेतपाल। अब दोस्तों यहाँ पर इंडिकेट करना आप कि इनको क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है ग्राम देवता। खेतपाल या क्षेत्रपाल का मतलब होता है खेतों की रक्षा करने वाले देवता, खेतों की रक्षा करने वाले देवता, जिनका अक्सर जो स्थान होता है, जो थान या जो मंदिर होता है गांव के बाहर खेतों में होता है, उन्हें क्षेत्रपाल या खेतपाल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है ग्राम के देवता के रूप में। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक किसने लगवाई, यानी जो सती प्रथा है उसको सबसे पहले निषेध किसने किया, रोका किसने, सबसे पहले रोक किसने लगाई। चार ऑप्शन है, पहला उदयपुर है, दूसरा जोधपुर है, तीसरा जयपुर है, और चौथा है बूंदी। दोस्तों सती प्रथा के ऊपर बात करूं आपको मैं, सती प्रथा का मतलब क्या होता है कि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उस मृत्यु हुए व्यक्ति की जो चिता होती है उस पर महिला जीवित बैठती है, वो भी क्या होती है, मृत्यु को प्राप्त होती है, वो सती प्रथा है। वो बहुत एक आप कह सकते हो कि एक सामाजिक बुराई थी, अब इसका उन्मूलन हो चुका है। तो सबसे पहले राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाई थी बूंदी रियासत ने, किसने लगाई थी, बूंदी रियासत ने सती प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाई थी। सन पूछ ले तो 1822 कर देना। सती प्रथा को ध्यान रखना दोस्तों सहमरण प्रथा भी कहा जाता है, सहमरण प्रथा का मतलब है कि साथ मरना, इसको अन्वारोहण भी कहा जाता है, अन्वारोहण भी कहा जाता है, ये इसके उपनाम है सती प्रथा के। अगली बात कि राजा पूरे भारत में सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी, तो बात है 1829 की, 1829 में भारत के गवर्नर कौन थे, विलियम बेंटिक। उस समय विलियम बेंटिक के पास प्रस्ताव लेकर जाते हैं राजा राम मोहन राय, और राजा राम मोहन राय के प्रयासों के कारण ही, भारत के अंदर 1829 में सती प्रथा पर कानून रोक लग जाती है। इसके बाद किसी प्रकार की सती की जो घटना होती है उसके ऊपर कानून अपनी कार्रवाई करना शुरू कर देता है।
दोस्तों ये थे राजस्थान फार्मासिस्ट जीके के महत्वपूर्ण सवाल और इनके आसपास जो भी महत्वपूर्ण सवाल बने उन प्रश्नों के ऊपर अपन चर्चा की थी। ऐसी ही टेस्ट सीरीज को लगातार देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।